उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां पर बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 93 पर एक मिनी ट्रक की ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हुई, जिसमें 4 लोगों की जान चले गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी है। मिनी ट्रक पर कुछ लोग सवार होकर एक सगाई समारोह में से लौट रहे थे और इसी बीच में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जो जख्मी है वो अस्पताल में भर्ती करवाए गए। नेशनल हाईवे 93 पर यह घटना घटित हुई और सड़क हादसा इतना जबरदस्त था कि 4 लोगों की जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। 4 लोगों की मौत हो गई, 10 के करीब लोगों की संख्या बताई जा रही जो घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के हाथरस से, नेशनल हाईवे 93 ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त भिड़ंत। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि 4 लोगों की मौत हो गई है। मिनी ट्रक में 4 लोग सवार थे, उनकी मौत हुई है, 10 लोग घायल है, अस्पताल में उनको ले जाया गया है, डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते सड़क हादसे चिंता का सबब बने हुए हैं। तेज रफ्तार हादसों का कारण बनती है और कई बार जब बीच में डिवाइडर नहीं होता या 2 हिस्सों में रोड बटी नहीं होती है आने और जाने के लिए, तो वहां पर हादसों की संभावना हमेशा बनी रहती है और वहां पर लोग जब तेज रफ्तार गाड़ियां चलाते हैं तो इस तरह के हादसे होते रहे हैं। और एक और हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के हाथरस में, 4 लोगों की जिंदगी सड़क हादसे में चली गई।